रेवाड़ी में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दुनिया भर में यानी आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाओं के प्रति सम्मान प्यार जज्बे के साथ उनके त्याग और जज्बे को सलाम करने का खास मौका होता है। महिलाओं के संघर्ष, तपस्या और बलिदान को याद करने के लिए 8 मार्च का दिन सबसे अहम माना जाता है। रेवाड़ी गुड़पुर रोड स्थित भारती इंटरनेशनल स्कूल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंजीत यादव ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। बस महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कुछ बनने की आज़ादी में उन्हें उनके परिवार का साथ चाहिए, जो कि एक परिवार अपनी बेटी को दे सकता है। उन्होंने कहा कि महिला की सफलता के पीछे एक महिला का योगदान होता है, जो उन्हें मिलना चाहिए ताकि बेटी को सफलता में परिवार की सफलता बने। इस अवसर पर स्कूल संचालक पवन भारद्वाज ने कहा कि वे पहली बार विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कर उनके सपनों को पंख लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी के चलते कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए वे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रण लेते हैं कि गरीब परिवारों के बच्चे को निःशुल्क अपने विद्यालय में शिक्षा प्रदान करेंगे। आयोजन है वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए था। मैं महिलाओं को अवेयर करना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में वो आगे आए। जो शोषित और प्रताड़ित महिलाएं हैं वो उस चुंगल से बाहर निकले जिनको उनको दबाया जा रहा है। और भारती इंटरनेशनल स्कूल में आपके सबके आगमन पर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत ही ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ कि आप सभी ने विद्यालय में आकर के और इन महिलाओं का एक सम्मान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज कोई ऐसे छात्रों को पढ़ाना भी चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल आप पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आप एक एक बच्चा जो बिल्कुल ऐसा आए हो उसको स्कूल में, मैं हॉस्टल में बिल्कुल फ्री मेस, खाना पीना, स्पोर्ट्स एकेडमिक सब कुछ फ्री करूँगा, ताकि वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर के देश का नाम रोशन करें। आपसे मेरा नंबर निवेदन है कि ऐसे बच्चे मुझे दें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं गरीब के बच्चों को भी आगे ले जाऊँगा, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब था, मुझे गरीबी देखी हुई है। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक एक बच्चा गरीब मुझे अवश्य दें, ताकि मैं उनको बहुत आगे तक ले जाऊँ। महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपनी बेटियों को हर लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एक महिला की सफलता के पीछे एक महिला का ही सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए इस महिला दिवस पर मैं सभी औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को हर क्षेत्र में सफल बनाने के लिए उनका सपोर्ट करें, उनको हर तरह से इंडिपेंडेंट बनाएं। उनको ये ना सोचें कि उनकी आज शादी कर दी जाए, आगे उनको कोई और पढ़ाएगा, कुछ और करेगा। अपनी तरफ से उनके ऊपर पूरी कोशिश करके उनको इंडिपेंडेंट हर क्षेत्र में योगदान करने के लिए काबिल बनाना चाहिए। मैं आज के महिला दिवस पर सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपनी बच्चियों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, उनकी पढ़ाई पे, उनकी एजुकेशन पे, उनके इमोशनल्स पे, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए कि ये मत करो वो मत करो, उनको हर तरह की छूट देनी चाहिए। अगर आप एक महिला होकर उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाओगे तो वो आगे किसी भी क्षेत्र में कैसे सफल हो पाएंगी। इसलिए महिला दिवस पर सभी महिलाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अपनी बेटियों के पीछे हर कदम के उनके पीछे खड़ी रहे, उनकी सफलता की भागीदार बने। धन्यवाद।